हेलो हाय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है जीएस स्टडी में। और मैं यस, आज हम बात करेंगे ट्रिक की। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जीएस में कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सवाल होते हैं, काफ़ी टफ माने जाते हैं, जिन्हें याद करना काफ़ी दिक्कत होती है। उसके लिए हमने कुछ ट्रिक बनाया है। देखिए, जैसे जो है डॉलर चलाने वाले देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक है, ये सी न्यूज़ आज तक, ठीक है दोस्तों। तो हम इसी पे जितने भी होंगे सारे देश को चलाएंगे, जो भी देश डॉलर की मुद्रा का प्रचलन कर रहे हैं उन देश में लागू है, उन देशों को इसी से हम इसी ट्रिक के द्वारा हम यहाँ पे वो दर्शाएंगे। तो सबसे पहला देश है सिंगापुर। हाँ दोस्तों, ये एशिया का जो है सिंगापुर, और सी से सिंगापुर हुआ, ठीक। और ये जो न्यू है, न्यू का मतलब न्यूज़ का मतलब न्यूजीलैंड, ठीक। और आ का मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक दोस्तों। फिर ज दिया है, ज का मतलब जमैका, फिर जिम्बाब्वे, फिर आपका दिया त से ताइवान, ठीक। फिर क से कनाडा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे आते हैं। अब जो यूरो मुद्रा चलाने वाले देश कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ये ट्रिक है, ये इसमें दिया है फ्रीज फैन मनीषा आई लव यू, ठीक है दोस्तों। ये इसलिए किया गया कि ताकि आपको ये याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब फ्री का मतलब हुआ यहाँ पे फ्रांस, और ज का मतलब हुआ यहाँ पे जर्मनी, और फैन का मतलब हुआ यहाँ पे फिनलैंड, फिर म का मतलब हुआ माल्टा, नी का मतलब हुआ नीदरलैंड, और शाह ये जो है इसका मतलब स्पेन, फिर आ का मतलब आयरलैंड दोस्तों, और ऑस्ट्रिया दोनों देशों को एक एक अक्षर से ही दर्शाएंगे हम दोनों। और फिर है आपका ई से इटली, फिर ल से लग्जमबर्ग, फिर ब से बेल्जियम, फिर यू से यूनान। और अगला हमारा जो है वो है कौन से देश की मुद्रा रुपया है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही, चूँकि हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का, हमारे भारत का खुद जो मुद्रा है वो रुपया है। इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। दोस्तों ये जो हम लाइन में किए हैं, इसे रेखा में इसलिए किए हैं क्योंकि बस ये आपको याद रखने के लिए किए हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है मांगा का मतलब, पर आपको ये चीज़ें याद रहे हमेशा। ये जो सेंटेंस है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, तो पहले हम शुरुआत करते हैं माँ का। तो दोस्तों ये देखिए, माँ का मतलब मालदीव, ठीक। फिर मामा है, फिर माँ का मतलब ये जो है आपका मॉरिशस हुआ, और फिर आपका जो ने है, श्री को आप छोड़ दीजिए, ये इसलिए हम किए हैं चूँकि आसान रहे, ठीक है दोस्तों। अब ये ने का मतलब नेपाल हुआ, और भा का मतलब भारत खुद, हमारा देश हुआ, और ई का मतलब इंडोनेशिया हुआ, और शाह का मतलब सेशेल्स हुआ, और पाकिस्तान से पाकिस्तान है। ये चूँकि हम मांगा बस इसलिए किए थे चूँकि आपको याद रहे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा श्रीलंका में कौन सी मुद्रा है, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम, ठीक। देखिए चीनी यात्रियों, जैसे कि विशेषतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे इसलिए हमने इसके लिए भी एक ट्रिक बनाया। चीनी यात्री को फांसी हुई, ये सर ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, चीनी यात्री को, ये बस याद करने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए इस ट्रिक को हमने ये मिलाया है, ठीक है। और बाकी ये जो ये ब्रैकेट में है, जो
है इस यही महत्वपूर्ण है ये फांसी हुई। देखिए फा का मतलब फाइयान जो 399 ईस्वी में भारत आया था, ठीक। फिर सी, सी का मतलब संयुग जो 518 ईस्वी में आया था। फिर हूँ, हूँ का मतलब वेन शांग जो 630 ईस्वी में आया था। फिर दोस्तों है ई, इक्त सिंह जो 7वीं सदी के अंत में आया था, 7वीं सदी के अंत में आया था। ये देखो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो ये बनाए हैं एमपी की गोद में, ठीक है दोस्तों। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, ये देखिए ये ट्रिक है। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, तो ये देखिए एम का मतलब महानदी हुआ, ठीक है दोस्तों। एम का मतलब आपका महानदी हुआ, पी का मतलब पेन्नार हुआ, और जो गोंद है गोंद से गोदावरी हुआ, आपका गंगा हुआ, ठीक। अब फिर रेखा से स्वर्ण रेखा नदी हुई, फिर का से कावेरी हुई, क से कृष्णा हुई, ब से ब्राह्मणी हुई, और विलय से बेगाई हुई, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक। तो अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, हम इसे ट्रिक के सहायता से याद करेंगे और समझेंगे। शालू की माँ भानुमती सोजा, तो शालू की माँ, शाह का मतलब साबरमती, लू का मतलब लूनी, माँ का मतलब माही, भा का मतलब भारत, पुच्छा या पुत्रानी, न का मतलब नर्मदा, खम्बात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। और ये देखिए फिर भा से भांडवी, सी से ताप्ती, सो से सोम, जा से जाखम, ठीक है दोस्तों। ताप्ती और जो नर्मदा है ये खम्बात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के क्रम अनुसार, ठीक। तो दोस्तों इसमें है जो ट्रिक है, गुल खिले तुम शायद लोगे, ठीक है, गुल खिले तुम शायद लोगे। तो इसका है गुल का मतलब गुलाम मंसूआ जो 1206 से लेके 1290 था। फिर आपका है खिले, खिले का मतलब हुआ दोस्तों खिलजी वंश जो 1290 से 1320 में आया। फिर है तुम, तुम का मतलब तुगलक वंश हुआ जो 1320 से लेके 1398 में आया। फिर है शायद, शायद का जो है सैयद वंश है इसका मतलब, जो 1398 से 1451 में आया। और लोगे का मतलब है लोदी वंश दोस्तों जो 1491 से लेके 1526 में आया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जो ट्रिक है मध्यकालीन भारत के जो स्वतंत्र काल में जो आपके शासक थे उनके बारे में, इसमें दिया कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया। ये दोस्तों हमारा ट्रिक है, कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया। तो आगे चलिए, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, कुमारी कुतुबुद्दीन ऐबक जो कहाँ से थे, गुलाम वंश। फिर ज से जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश से। फिर गयासुद्दीन तुगलक गोरी से, जो तुगलक वंश से संबंध रखते हैं। फिर खीर का खिज खां है जो सैयद वंश से संबंध रखते हैं। फिर बनाया कब जो ब है, बहलोल लोदी जो लोदी वंश से संबंध रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे भारत की 7 सिस्टर स्टेट। दोस्तों जो भारत का पूर्वी राज्य है, कुछ राज्यों को वहाँ पे सिस्टर स्टेट का की संज्ञा दी जाती है, जिन्हें याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसके लिए एक आसान सा तरीका, आसान सा ट्रिक बनाए हैं, एटीएम आना मम्मी। ये है दोस्तों हमारा ट्रिक, एटीएम आना मम्मी। तो ये देखिए, पहला है असम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। फिर आना, अ से अरुणाचल प्रदेश, ना का मतलब नागालैंड, म का मतलब मणिपुर, मी का मतलब मिजोरम, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये हैं भारत के 7 सिस्टर स्टेट। अब हम बात करेंगे वलित पर्वत की। दोस्तों वलित पर्वत कौन कौन से हैं, और ये ट्रिक है,
ये यूं आ रे हिमालय, ठीक, हमने यूं आ रे शोनिये से किया है, यूं आ रे हिमालय। तो यूं का मतलब दोस्तों हुआ यूराल, यूराल पर्वत जो रूस में होता है, ठीक। फिर दूसरा है आल्पस पर्वत, ये दोस्तों यूरोप में पड़ता है, ठीक है, जिसे प्लेग्राउंड ऑफ स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, क्योंकि इसका विस्तार स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद रॉकी पर्वत है जो आपका उत्तरी अमेरिका में आता है, फिर आपका एंडीज़ पर्वत है जो दक्षिणी अमेरिका में आता है, फिर हिमालय है जो भारत में है जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, नेपाल, भारत, तिब्बत में इसका विस्तार है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे सभी मुग़ल सम्राट क्रमशः की, ठीक है। तो हम बात करते हैं भाजी सब्जी फॉर मासाब, भाजी सब्जी फॉर मासाब, ठीक है। तो बस ऐसे लिखते चले जाइए भाजी सब्जी फॉर मासाब, और इनके नीचे का क्रम लिख दीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादार शाह, फरूख शियार, एम मोहम्मद शाह, आलमगीर दीती, शाहजहां आलम दीती, अकबर दीती, बहादुर शाह जफ़र। दोस्तों ये बस आप याद रखिए भाजी सब्जी फॉर माशाब। उसके बाद इसके नीचे क्रम एक बार आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, फिर नीचे रख दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों देशांतर रेखा की। 0 डिग्री देशांतर रेखा अंटार्कटिका के अतिरिक्त जिन 8 देशों से गुजरती है वह कौन कौन से देश हैं, तो इसके लिए ट्रिक है गेट मी बी अशफ, ठीक है दोस्तों। चूँकि ये बहुत आसान सा सेंटेंस है आपको याद रहेगा, गेट मी बी अशफ से मतलब जी का मतलब घाना हुआ, ए का मतलब अल्जीरिया हुआ, टी का मतलब टोगो हुआ, एम का मतलब माली हुआ, ई का मतलब इंग्लैंड हुआ, और दोस्तों बेशप जो है बी का मतलब बार्किन फांशो हुआ, एस का मतलब स्पेन हुआ, एफ़ का मतलब फ्रांस हुआ। चूँकि दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गुजरी हुई है, एक जो भी मध्य में देश हैं वे ये देश यही सारे हैं, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा जो देशांतर रेखा है वो भारत के मध्य स्वर्ष जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरी है, ठीक। और एक और है ये जो हम बनाए हैं, बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं वाला राज्य, यह अक्सर पूछा जाता है और हम कभी कभार भूल जाते हैं, बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं वाला राज्य कौन कौन सा है, तो देखिए ये हमारा ट्रिक है, बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी, बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। तो ये है देखिए, बंगाल से हो गया पश्चिम बंगाल, आसाम दिया ही है आसाम, मेघों ने मतलब मेघालय, त्रिपुरा दिया है त्रिपुरा, फिर में रंपी, रम जो है मिजोरम, ठीक है दोस्तों, ये रम का मिजोरम है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।